कि दिस इज द पद्म विभूषण अवार्ड। थोड़ा ये कुर्सी है गैस सोने की। अच्छा ओए उस टाइम की गेम है यार ये देखो। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके। मैं हूं मानिक एंड वेलकम टू योर ओन चैनल मी एंड मैन ब्लॉग्स। सो गाइस आज हम जा रहे हैं यहाँ के इनके राजा के महल, ठीक है, बड़ा फेमस है ये दोनों साथ में है। और राजा का महल यहाँ पे कहते हैं, वहाँ पे सोने की कुर्सी भी है, वो अभी भी उनकी फैमिली एग्जिस्ट करती है, वो फॉरन चली गई हुई है, वो भी कई कहते हैं कि राजा अभी भी है, फॉरन गया हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं राजा का महल, तो उनके घर के पास ही है, तो वहाँ पे जाके आपको सारा दिखाएंगे क्या क्या है उसके अंदर, उसकी फीस भी कितनी है, ए टू जेड सब कुछ बताएंगे। तो गाइज अभी हम फाइनली मेटाडोर में बैठ चुके हैं, जो यहाँ पे मेटाडोर चलती है उनमें बैठ चुके हैं, और ये यहाँ पे दोनों बैठे हैं, यहाँ पे मैं बैठा हूँ। यहाँ से 2 किलोमीटर है, उसको कहते हैं राजा, ओए नाम क्या है उसका, राजा हरि सिंह पैलेस। हाँ इसको कहते हैं हरि सिंह पैलेस, वहाँ का नाम है पैलेस का। तो हमने वहाँ जाना है, तो ये आ गए पैसे काटने, वो भी डायरेक्ट वहाँ जाएंगे, तब हम वहाँ उतर के मिलते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं, ये है सामने ये मांडा ज़ू है, वहाँ से इसकी एंट्री है। यहाँ पे हरि निवास पैलेस है, होटल भी है यहाँ पे, और ये सामने वो भी है इनका महल भी है, और सामने अंदर सोने की कुर्सी कहते पड़ी हुई है। देखेंगे अभी, महल तो बहुत दूर से बड़ा सुंदर दिख रहा था, मैंने दूसरे आपको दिखाना भूल गया। अरे गाइस अरे व्यू देखो यहाँ से भाई। ओके गाइस पिछले ने मना कर दिया था, यहाँ से जो व्यू है ना भाई इतना कतला है, यहाँ पे जाने नहीं दे रहे, शायद आगे से जाने दे तो मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। वो आगे महल है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ अच्छी तरह। तो ये सारा एरिया है, यहाँ पे बंदर भी हैं भाई, बंदर से काफ़ी बचाव करना पड़ता है। वो देखो वाइट कलर का आई थिंक वो पैलेस है, और ये महल है राजे का, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो ये शायद राजे का, यही है ना, यही है ना, हाँ भाई ये है राजे का महल यहाँ का। गाइस काफ़ी अच्छा दिख रहा है देखने में तो बाहर से, अभी तक अच्छी अच्छी कंडीशन में है बहुत ज़्यादा। सो वो भी हम ये बैरिकेड पार कर रहे हैं, ये अपने फौजी भाई हैं, यहाँ साइड से व्यू बहुत अच्छा आता है। राजे ने बिल्कुल सही जगह पे महल बनाया है गाइस, पूरी खाई है, पूरी खाई है, और इतना अच्छा व्यू है मैं क्या बताऊँ आपको। गाइस हम बिल्कुल पास आ चुके हैं महल के, महल तो छोटा ही है एज़ कम्पेरेटिव टू महाराजा का स्टैंडर्ड जो होता है उसके हिसाब से छोटा। हमारे यहाँ पे जो पंजाब में है खालसा कॉलेज, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट आई थिंक ये सारा उस टाइम इनके एरिया में आता होगा ना, लाइक गार्डन वगैरह। तो ये महल है और परफेक्ट कंडीशन है बिल्कुल, बहुत अच्छा दिखता है, लगता है सामने इसका व्यू है, ये महल का सामने ज़्यादा दिखता है। और इसकी स्टोरी तो आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखी ही होगी, जो था वहाँ पे फाउंटेन वाला, उसमें पूरी स्टोरी बताई है यहाँ के राजा की। सो गाइज अभी हमें महल के अंदर जा रहे हैं टिकट काउंटर की तरफ, ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे है, टिकट काउंटर कहाँ पे है, अंदर कहाँ से जाना, एंट्री कहाँ से, आई थिंक यहाँ से होगी, बंद तो नहीं पड़ा हुआ यहाँ। सो गाइस यहाँ से बहुत अच्छा आ रहा है, अभी पीछे का भी व्यू है। तो गाइस अभी हुआ क्या हमारे साथ, एक गलत चीज़ हो गई। सो गाइस अभी हमारे साथ यहाँ पे झोल हो चुका है, यहाँ पे हम आए लेट, 5:45 बज चुके हैं, और यहाँ पे एंट्री बज हो चुकी है 5 बजे की बंद। तो हमें गार्डन का बताया कहते हैं कल आना दोबारा, अब हमें कल दोबारा आना पड़ेगा। तो तब तक हम सोच रहे हैं कि आपको यहाँ का ज़ू का दिखा दें, सारा मांडा ज़ू है वो शायद अभी ओपन हो, तो मांडा ज़ू तक दिखाते हैं आपको तब तक, और कल हम दोबारा आएंगे तो आपको कल दोबारा दिखाएंगे सारा। सो गाइस आज हम दोबारा आ चुके हैं महाराजा के पैलेस में, ये हमारा हम लास्ट टाइम आए थे, आपको वीडियो में भी दिखाया ही है कि तब तो बंद था, अभी हम दोबारा आए हैं। और अब जो व्यू दिख रहा है ना यहाँ से, मैं आपको ना एक बार व्यू दिखाता हूँ, जो व्यू दिख रहा है ना गाइस यहाँ से, मैं कहता हूँ बस पूछो ही ना, सिरा सिरा अत का व्यू दिख रहा है। अभी सब पेड़ वगैरह आ गए हैं, बट अभी मैं दिखाता हूँ, ट्राई करता हूँ व्यू दिखाने की यहाँ से। देखो यहाँ से अभी व्यू तो गाइस पेड़ों के कारण इतना अच्छा नहीं दिख रहा, बिल्कुल ये खाई है ये सारी यहाँ से, इतना अच्छा स्टार्टिंग से व्यू है, बट वहाँ पे फौजियों का कैंप है, तो वहाँ से वो वीडियो में आने देते। तो अभी यहाँ से है
उनके महल से बिल्कुल क्लियर व्यू दिखेगा, बट मे बी वहाँ पे वो ना हमें ब्लॉग बनाने दें उनके महल के पीछे। कल भी हम बनाने गए थे तो वहाँ पे तीन चार लड़के खड़े थे, बंदे खड़े थे, उन्होंने मना कर दिया था कि ब्लॉग नहीं बनाना। तो होप सो हम अंदर जाके बनाते हैं, शायद वो हमें वहाँ कर दें। सो गाइज ये है मेरे पीछे राजे का महल, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये इसका फ्रंट है, बाहर सड़क से हमें वो वाली साइड दिखती है जो मैंने आपको पहले भी दिखा दी है एक दो बार वीडियो में। तो अभी यहाँ पे 2 बजे एंट्री स्टार्ट होगी, तो हम 2 बजे आपको सारा अंदर का टूर देंगे। और अभी हम सारे यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं बैठे हुए हैं फोटो शूट कर रहे हैं सारा। तो ठीक है फिर तब करते, तब आपको व्यू भी दिखाने की परमिशन मिल जाएगी पीछे से। तो ठीक है फिर आपको तब मिलते हैं। गाइज ये यहाँ का इन्होंने सारा लिखा हुआ है अप्रैल टू सितंबर टाइमिंग्स, मेरे हिसाब से ये अप्रैल टू सितंबर ही खुला होगा, बाकी बंद रहता होगा। और ये यहाँ की टाइमिंग्स लिखी हुई है, और अच्छा नहीं लिखा अक्टूबर टू मार्च, ओके ये टाइमिंग है, टाइमिंग थोड़ी चेंज है। हाँ वो अंधेरा जल्दी रहता ना यहाँ पे हिसाब से। और ये फीस लिखी हुई है सारी, अडल्ट की 25 हैं, ये 10 रुपये उनकी हैं 3 से 10 साल के बच्चों की। और स्पेशल एडमिशन टिकट 125, कैमरा टिकट 100 रुपीज़, मतलब 100 रुपया खर्चा अपने चूना लगना 100 रुपये का। और वीडियो कैमरा टिकट 200 रुपये, ओके मतलब मैं 200 रुपये का चूना लगेगा। फोटोग्राफी इज अलाउड विद इन द प्रीमिसेस विदाउट कैमरा टिकट मंडे एंड नेशनल हॉलीडे क्लोज्ड, ओके डन। मतलब हमें 200 रुपये की पहले टिकट लेनी पड़ेगी, फिर इसके अंदर वीडियोग्राफ करनी पड़ेगी उसके बाद। गाइस अभी हमारी एंट्री हो चुकी है, यहाँ पे सारे इनकी पोस्टर्स लगे हैं जो भी है, चार्ट्स वगैरह इनकी मेरे हिसाब से हिस्ट्री है। एंड दिस आर द चार्ट्स, और यहाँ पे कुछ नहीं है, ये टेबल है इनका। ये राजा अमर सिंह जी हैं यहाँ के महाराजा, ये आई थिंक इनकी रानी है, और ये थिंक इनका ब्रदर है, इनके क्लोथ्स हैं। सो अभी हम अंदर आ रहे हैं, ये आई थिंक इनका ऑफिस है, हाँ यस। और ये सेकंड रूम है, ये बुक्स हैं यहाँ पे इनकी, 2000 रत्न, ये इनकी फोटो है, युवराज करण सिंह एट 16 years, ओके युवराज है इनके 16 साल के, आई थिंक ये अभी तक हैं जिंदा जहाँ तक मुझे लगता है। युवराज करण सिंह विद हिज फादर महाराजा हरी सिंह जी एट द पैलेस श्रीनगर, ओके। ये छोटे युवराज हैं, ये चांसलर ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी, दीज आर द कॉइन जवाहरलाल नेहरू जी के हैं कॉइन जी, ये 20 रुपीज का वाला बड़ा वाला, ये है यहाँ पे मिशेल जॉन मेमोरियल लेक्चर मार्च, ये मुझे नहीं पता क्या है चूंकि हम मान्यता है ऐसी होगी। ये 150 रुपये का कॉइन है देखो, ये
इस सारे आई थिंक इनकी ट्रॉफी जैसे ग्रीटिंग के जाते हैं ना चीफ गेस्ट को मिलती हैं ये ट्रॉफीज टाइप आई थिंक ये वो है सारी। हाँ ओके इनके डिप्लोमा के ये सर्टिफिकेट है ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में आई है। काठमांडू यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है आई डोंट नो किसका ये मतलब यहाँ सब कुछ इनकी फैमिली से रिलेटेड है ए टू जेड उनका डिप्लोमा उनके मेडल्स पद्म विभूषण ओके दिस इज द पद्म विभूषण अवार्ड ये गाइस देख लो आज ये अवार्ड मिलता है ये भी कोई कॉइन है गाइस और बेल्जियम अवार्ड है ये अलग अलग कंट्रीज का ये सोका यूनिवर्सिटी का सोका यूनिवर्सिटी ये फाउंडेशन है कोई इनकी इनका उसका ये ये पोस्ट कर कर खुद देख लो और मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करता हूँ सारा रिकॉर्ड मैं भारत का राष्ट्रपति पापा जी अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम सॉरी व्यक्तिगत गुणों के लिए आपको सम्मानित पता नहीं सही क्या है मैंने हिंदी छोड़ी तो मैंने हिंदी छोड़ी को मैं 4 साल हो गया मैंने ऑप्शनल में हिंदी को रिमूव कर दिया था तो मुझे थोड़ी मुश्किल होती है हिंदी पढ़ते वक्त और ये इनकी फोटोज है ये रियल भारत सिंह का गद्दा नया देखो ओके करण सिंह एंड हिज वाइफ यशोर राज्य लक्ष्मी 1957 ओके तो गाइस ये सवारी के लिए घोड़ा लगाया हुआ है ये गेम है अच्छा ओए उस टाइम की गेम है यार ये देखो ये उस टाइम की गेम है घोड़े की घुड़सवारी सिखाने के लिए आई थिंक यूज होती होगी ये बाहर का सारा व्यू है ये महल की ही दीवारें हैं और ये एक बार व्यू दिखा के आते हैं आजा व्यू देखते हैं एक बार मैं व्यू देख के यार रुक जा ऐसे नहीं जाने देंगे Guys, this is the view from the palace. Awesome. भाई बहुत सही जगह पर इन्होंने अपना पैलेस बनाया है यहाँ से पूरी आगे खाई ही खाई है हर जगह खाई है ये सामने इनकी तवी है देखो आप सारे दूसरा शहर है भाई वो कौन सा शहर है वो कौन सा शहर है आगे वो कौन सा शहर है गाइज अभी हम यहाँ से यहीं से वैसे अंदर तो वहीं से जाना था हमें ये देखो गाइज पीछे कितना अच्छा लग रहा है बिल्कुल मिंटे चली फील आ रही है काफी सुंदर बना हुआ है अब हमें यहाँ से एंट्री लेनी है अंदर को यहाँ की दीवारें हैं इनकी फोटोज हैं और इनका स्टैचू है यहाँ पे सारे पोस्टर्स ही लगाए हुए हैं महात्मा बुद्ध जी हैं
ओके ये इनका महात्मा बुद्ध का स्टैचू है यहाँ पे कल गया है आर्टिस्ट कमेंडर लद्दाख गौतम बुद्ध गिफ्टेड हुआ अमर अच्छा ये गिफ्ट किया गया था इनको ये स्टैचू है महात्मा बुद्ध जी का और ये क्या हमें पेंटिंग भी लगी है ये कांच की पेंटिंग है पीछे कपड़ा ऊपर कांच है और चलो बाहर चलते हैं अब इनको अपना फोटो शूट करवा देते हैं अब हम यहाँ से दूसरी साइड आ रहे हैं ये है गाइस सोने की इनकी कुर्सी कुर्सी नहीं बैठ आई थिंक यहाँ पे हाँ इनका सिंहासन टाइप है मैं वो दिखाता हूँ एक बार ये पूरा प्योर गोल्ड है यहाँ से ये दिख रहा आपको होगा ये कुर्सी है सोने की ये तो देखने आते सारे यहाँ पे ऊपर ये लाइट पड़ रही दिख नहीं रहा क्लियरली आपको मैं दूसरी साइड से दिखाता हूँ अब यहाँ से देखो गाइस इनकी सोने की कुर्सी है प्योर गोल्ड है प्योर गोल्ड और अभी इन्होंने पता नहीं कितने ज़्यादा हाथियों पर ऊँटों पर सोने के सिक्के लदवा के अंग्रेज़ों को दिए थे ताकि वो जम्मू को रिलीज़ कर दें उन्होंने जम्मू को ऊपर कब्जा कर लिया था उन्होंने अपनी अपनी तरह से इतनी संपत्ति अपनी दे दी थी अंग्रेज़ों को इस तरह यहाँ से क्लियर आ रहा है अब हाँ यहाँ से क्लियर आएगा थोड़ा ये कुर्सी है गाइस सोने की प्योर गोल्ड की कुर्सी है ये थोड़ी धूल पड़ गई है साफ नहीं करते ये कितने मिट्टी अंदर जमा हुई पड़ी है खोलते ही है और क्यों नहीं खोलते ये इनका अंदर सारा ही ये भी सारे खंभे भी आई थिंक सोने के ही हैं और हाँ सारा इनका सिंहासन है ये और अब हम यहाँ से आगे जाते हैं ये सारा हमें मेन यहाँ से आना चाहिए था हम यो पंजाबी पागल होते हैं आधे तो हम इसलिए पीछे से टप गए एंड दिस इज द पेंटिंग हाउस यहाँ पे सारी पेंटिंग्स हैं महाराजा रणबीर सिंह 1830 टू 1885 यहाँ पे लिखा गाइस ये देखो ये हैं महाराजा प्रताप सिंह 1850-1925 ये राजा राम सिंह जी हैं 1885 टू 1899 इनकी उम्र कम थी काफ़ी ये राजा अमर सिंह है मेन जो है राजा यहाँ पे जिनके ऊपर ये म्यूजियम है इनकी पेंटिंग है ये आप देख लो ये सारा ऊपर लिखा हुआ इसके पेंटिंग्स के बारे में ये राजस्थान की तरफ की पेंटिंग है सारी ये आप सारा देख लो सारी पेंटिंग अगर मैं ऐसे एक ऊपर करता रहा तो व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा तो मैं चाहता नहीं क्योंकि आपको इतना टाइम लगे मैं आपको कम टाइम से कुछ दिखा दूँ ये कौन से टेम्पल की है ये कोई टेम्पल है आई थिंक तमिलनाडु वाली साइड है टेम्पल है वहीं पे ऐसे टेम्पल्स होते हैं कंजोर यहाँ लिखा हुआ है ब्रिहारेश्वर टेम्पल कंजोर का है ये सारी पेंटिंग है यहाँ पे ये चिमनी ये महाराजा गुलाब सिंह जी हैं सबसे पुराने यही हैं आई थिंक हाँ ये यहाँ पे सेटल लेकर स्टार्टिंग है उनके बाद सब कुछ इनकी चीज़ें चली आ गई ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं जाने देते यार ये तो गलत बात है ऊपर दिखाना था पूरा महल दिखाओ ये सारे पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे तो सारी पहाड़ियों का एक बस्ट चुकी है बताया हुआ है ये सारी पेंटिंग्स हैं गाइस मेन ना ये आई थिंक ये रिसेंट वाले जो है ना यहाँ के युवराज आई थिंक वो है ये रिसेंट वाले युवराज हैं यहाँ के डॉक्टर करण सिंह ओके ये महारानी यशो राज्य लक्ष्मी
ओके 2009 तक हमसे और ये आई थिंक अभी तक ये जिंदा है, ये वाले जो है ना ये अभी तक जिंदा है। क्यों, किसने बोला? हाँ ना, तो उनके नीचे डेट देख के डेथ डेट क्यों लिखी हुई 2009 में। ये 1910 ओके, ये भी कोई महारानी है। हाँ ये महारानी है, ये महाराजा हरि सिंह जी हैं। इनका पैलेस है, ये इनका पैलेस है गाइस, ये वाला। और ये सारी पेंटिंग्स हैं यहाँ पे। मैंने तो यहाँ पे जो पैसे दिए ना 25 टिकट, ये तो सिर्फ सोने की कुर्सी को देखने के लिए दिए हैं। ये सारा व्यू है यहाँ का, यहाँ पे सारे फोटो शूट करवा रहे हैं। और ये यहाँ पे साथ में पैलेस है, ये होटल है यहाँ पे। ये बता रहे थे अंकल की 5,000 रेंट है पर डे का यहाँ पे। और आज ये इनके जो भी लेटेस्ट जो इनके है ना वंशज जो अभी तक जिंदा हैं, मतलब जो अभी के जो लेटेस्ट हैं वो अभी यहाँ पे आए हैं। इनके मालिक हैं, अपना मालिक कहते हैं यहाँ पे, वो आए हुए हैं। और ये नीचे एक रोड भी जा रही है बिल्कुल अच्छी। यार ऐसे करो ना बंदे का, मैं कहता हूँ नज़ारे ही अपने होते हैं। अब यहाँ से एग्जिट है, दोनों जमूर है यहाँ पे। यहाँ पे जो इनके उत्तरदायित्व कुछ ऐसे कहते हैं मुझे, मैं अभी वर्ड नहीं आ रहा, तो वो अभी आए हुए हैं यहाँ पे। ये सारा हॉल है पेंटिंग्स का, ये सारी पेंटिंग्स हैं, उनको गिफ्ट मिली थी आई थिंक। सारी पेंटिंग्स हैं यहाँ से भी। हाँ ये सेम एक ही जगह है। ओके यहाँ से मैं बाहर जाना है। यहाँ पे देख रहे हैं मुझे भी देख रहे हैं। ये माइंड ग्लिच होता है ना यहाँ पे, जो ये उनकी कोई ग्लिच होता है, थोड़ी ग्लिच कोई टेक्निक होती है जिससे ऐसी पेंटिंग बनाई जाती है जो हर जगह देखती है। इनकी आँखें आई थिंक ना थोड़ी अंदर को हैं, जिससे लगता है कि ये हर जगह देख रही हैं। ये गाइस यहाँ पे लिस्ट है पेंटिंग्स की सारी, सब उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। और ये अपने गांधी बदमाश जी ये नोटोरियस गांधी जी हैं, बापू गांधी। यहाँ से सारी खिड़की है, ये इनकी पेंटिंग बनाते हुए किसी ने पेंटिंग कर दी। देखो ये पेंटिंग बनाते हुए इनकी किसी ने पेंटिंग कर दी। चलो बाहर चलते हैं। सो गाइस अभी हम पूरे राजे के महल से आए हैं। अभी उन्होंने हमें सिर्फ नीचे वाला ही फ्लोर विजिट करने दिया, ऊपर वाला फ्लोर। अभी ऊपर कितने ही फ्लोर, कितने कमरे हैं जो इनके पर्सनल आई थिंक उन्होंने अपना सामान वगैरह रखा होगा, तो ये नहीं कभी किसी को दिखाना चाहते होंगे। और वो सामान इन्होंने ऊपर रखा है, हमें सिर्फ नीचे वाला फ्लोर विजिट किया। और बस थोड़ा सा ही है, बस एक कुर्सी है देखने वाली और कुछ है नहीं इतना, और थोड़े से कॉइन्स एंड मेडल्स हैं। और ये ऊपर वाला फ्लोर है सारा लाइट वगैरह होना, मतलब कोई है ऊपर। सो अभी सारा ऊपर में इनका अपना सारा स्टफ होगा पर्सनल, तो वो नहीं दिखाना चाहते हैं। सो दैट्स इन्होंने ऊपर रखा है, ऊपर विजिट सिर्फ उनको ही परमिशन है जो इनकी फैमिली के हैं। तो अब हम नीचे वाला सारा म्यूज़ियम जो मेन है लोगों के लिए वो हमने देख लिया, आपको भी दिखा दिया। और अब हम यहाँ से सीधा डायरेक्ट जा रहे हैं मांडा जू, सामने है मांडा जू, वहाँ जा आपको मिलेंगे। अब आपको वो गाइस हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे मांडा जू आपको, बस ये एक अलग व्लॉग आपके डेडिकेटेड। ये वीडियो इसी म्यूज़ियम का डेडिकेटेड है, और आपको इसी में हम सिर्फ इसका दिखाएंगे। और अब नेक्स्ट व्लॉग में सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपको बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। यार हमें सपोर्ट रहती है, आपका कुछ नहीं जाता,
थोड़ा प्यार हमें भी दे दिया करो। सो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। अब नेक्स्ट व्लॉग आपको दिखाएंगे मांडा जू का, यहाँ का ये इनका जम्मू का जू है मांडा जू, और वो सामने है बिल्कुल। अब हम वहाँ जा रहे हैं सीधा, यहीं से आपको वो दिखाएंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।